सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आर्ट्स एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर। तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी विद सॉल्यूशन और ट्रिक्स भी, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसके ट्रिक्स मैं बना दूँगी, ठीक है। और आप एंड तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है ये और इसके में अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, एक भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बीच में से स्किप मत करना, इस रिक्वेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस ट्राइबल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एंड नागालैंड। आरबी एनटीपीसी 2021 16 एंड 2021 सब में पूछा गया था स्टेज वन में। सो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो चलो हम देख लेते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्चुअली में है क्या और कब मनाया जाता है। तो एंड दिसंबर 1-10, है ना, नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज को शो करता है और नागास जो है वहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जितने भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे वो सब इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फेस्टिवल है वो हॉर्नबिल क्यों पड़ा? क्योंकि ग्लोबली रिस्पेक्टेड बर्ड है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड बर्ड है, उसके नाम पे ये फेस्टिवल पड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी दिसंबर? इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी दिसंबर में मनाया जाता है? देखो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दिसंबर 1-10 में मनाया जाता है नागालैंड में। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ गया है। कब आया था? देखो 2017 में पूछा गया था और ये 2021 ही पूछा गया। सो आपका आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, सिंपल है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द फेस्टिवल चपचर कुट सेलिब्रेट्स? तो कुट, जहाँ भी कुट वगैरह आएगा ना, आप मिजोरम देखना। मिजोरम, ये 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। चपचर कुट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम, ओके। मीजो, मिजोरम याद रहेगा, चपचर कुट मिजोरम। देन द नेक्स्ट, कुंभ मेला एट उज्जैन विल बी हेल्ड इन विच ईयर? कुंभ मेला उज्जैन कब, किस ईयर में मनाया गया था, किस ईयर में मनाया जाएगा, है ना, विल बी हेल्ड इन विच ईयर? तो ये 2021 में पूछा था और ये देख रहे हो 2020, 2030, 2022 भी है इसमें ऑप्शन। तो नेक्स्ट कब मनाया जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आंसर होगा ए, 2028 में कुंभ मेला उज्जैन में मनाया जाएगा। कुंभ मेला होता क्या है? एक हिंदू पिलग्रिमेज ऑफ फेथ इन विच हिंदूज एंड पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर एट अ प्लेस टू बाथ इन सैक्रेड रिवर। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक रिवर के पास, जो नेक्स्ट कुंभ मेला में बहुत लोग खो भी जाते हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अब आपने सुना ही होगा ये स्टोरीज। कुंभ मेला विल बी हेल्ड इन उज्जैन मध्य प्रदेश इन 2028 में मनाया जाएगा। वेयर विल 2021 महाकुंभ बी हेल्ड? कहाँ होगा? उज्जैन में होगा। देखो मतलब घुमा फिरा के एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप अगर एक भी करोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। महाकुंभ प्लेसेस प्रयागराज, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती, नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी। उज्जैन, कुंभ मेला उज्जैन में होगा एंड मध्य प्रदेश सिपड़ा। हरिद्वार महाकुंभ, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा रिवर के पास। नेक्स्ट क्या है, कुंभ मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ दीज सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सी सिटी में होगा, कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश के कौन से सिटी में कुंभ मेला हुआ है? ये है ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ है मध्य प्रदेश, ठीक है। देन पूर्ण कुंभ मेला इज हेल्ड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? जो पूर्ण कुंभ मेला है वो एक बार होता है, कौन सी ईयर में? पूर्ण कुंभ मेला ये होता है एवरी ट्वेल्व ईयर में होता है ये। कुंभ मेला एक मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल है हिंदुइज्म का। ये सेलिब्रेट करते हैं एक साइकिल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स एट फोर रिवर बैंक्स, पिलग्रिमेज साइट्स इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। देख सकते हो यहाँ पे नासिक में गोदावरी रिवर के पास, उज्जैन में सिपड़ा रिवर के पास, हरिद्वार में गंगा एंड प्रयाग में कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती।
तो नेक्स्ट जो 2028 में मनाया जाएगा वो कहाँ पे होगा? उज्जैन में होगा एंड सिप्रा रिवर के पास, ठीक है। देन वेयर इज़ द रेड पांडा विंटर कार्निवल सेलिब्रेटेड? कहाँ पे होता है रेड पांडा विंटर कार्निवल सेलिब्रेट? ये होता है सिक्किम में। रेड पांडा विंटर कार्निवल सेलिब्रेटेड। तो देखो आप इससे ट्रिक से याद कर सकते हो, रेड पांडा एंड विंटर। विंटर कहाँ पे होगा? सिक्किम साइड में आपका विंटर होगा, हिली एरियाज है। तमिलनाडु में तो होगा नहीं, नागालैंड में भी नहीं होगा, राजस्थान में भी नहीं होगा, तो सिक्किम आंसर आपका करेक्ट होगा। तो रेड पांडा है, रेड पांडा विंटर फेस्टिवल कार्निवल इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। रेड पांडा इज ओनली लिविंग मेंबर ऑफ एलुडस फल्गेंस। IUCN places रेड पांडा इन द कैटेगरी ऑफ इनडेंजर स्पीसीज में इनको रखा गया है। इट्स मेन फूड इज बैम्बू लीव्स। इट इज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है, इसलिए वहाँ पर फेस्टिवल भी कार्निवल ही मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन बील मेला इज द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल यूज। इन विच स्टेट इट इज टेक प्लेस? देखो जॉन बील मेला एक ऐसा फेयर है जहाँ पर बार्टर सिस्टम आपको पता ही होगा कि आप कुछ सामान लेते हो उसके बदले आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये होता है मनी के अलावा भी आप खरीद सकते हो कोई भी सामान अपने गुड्स को एक्सचेंज करके, ठीक है। तो ये होता है आपका बार्टर सिस्टम। तो जॉन बील मेला एक ऐसा फेयर है जहाँ पे होता है। तो ये आपका होता है, ये आपका होता है असम में, असम में होता है ये जॉन बील मेला, ओके। देन इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन बील मेला यूजुअली टेक प्लेस इन अ फ्यू डेज आफ्टर माघ बिहू। माघ बिहू है, माघ बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। और माघ बिहू के कुछ प्लेस कुछ फ्यू डेज के बाद ये जॉन बील मेला होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट दयांग बेलगुड़ी इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन असम। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा फेयर है जहाँ पे बार्टर सिस्टम अभी भी यूज़ होता है, जॉन बील मेला। तिवा कम्युनिटी इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है केंडुली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन केंडुली। केंडुली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो केंडुली मेला इज़ वन ऑफ दोज ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन दैट सेलिब्रेट्स द यूनिक म्यूजिकल आर्ट ऑफ बॉल कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ मिस्टिक मिनिस्ट्रेल्स इन बंगाल। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज इन केंडुली सिटी ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, नेटिव लैंड ऑफ बॉल्स। मेला बिगिंस विद द मकर संक्रांति ऑन 14th January। 14th January को मकर संक्रांति होती है और मेला बिगिन हो जाता है, और 16th January तक ये मेला चलता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ पौष मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स असेंबल इन केंडुली टू हैव अ डिप एट द सागर आइलैंड बीच ऑन द एस्टुअरी ऑफ भागीरथी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये केंडुली फेयर सेलिब्रेट होता है। केंडुली से आप याद कर सकते हो वेस्ट बंगाल। कैसे याद करोगे वेस्ट बंगाल केंडुली से? केंडुली वेस्ट बंगाल में क्या होता है? कोलकाता। और केंडुली विच मीन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट? हार्वेस्ट से कौन सा फेस्टिवल एसोसिएटेड है? सो यहाँ पे जो पोंगल है वो आपका हार्वेस्ट से रिलेटेड है। कैसे? देखो 2021 में पूछा गया था शिफ्ट वन में स्टेज वन। नाउ पोंगल इज एक 4-day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल कितना दिन का है? 4-day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल होता है। एंड देन पोंगल फेस्टिवल भोगी पोंगल स्टार्ट्स लास्ट डे ऑफ मरगाजी मंथ इन तमिल कैलेंडर। ऑन द सेम डे कोच पंदिगी भोगी पंदिगाई इज ऑल्सो ऑब्जर्व। भोगी पंदिगाई कैसा होता है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है लोहड़ी की तरह, जो सेलिब्रेट करते हैं पंजाब में नॉर्थ इंडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन डे पोंगल दैट इज कॉल्ड थाई पोंगल और सुन पोंगल या फिर थाई पोंगल। ये वन डे फेस्टिवल होता है सूर्य पोंगल एंड सेलिब्रेटेड है मकर संक्रांति सेलिब्रेशन इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो पोंगल एक 4-day का फेस्टिवल है और ये हार्वेस्ट से रिलेटेड है। ईद देखो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। गुरु पूर्णिमा नहीं है, ईद भी नहीं है एंड ईस्टर भी नहीं है। आपका पोंगल एक ऐसा फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट से रिलेटेड है, फसल वगैरह काटते हैं उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट्स द भगोरिया फेस्टिवल? भगोरिया फेस्टिवल कौन से ट्राइब्स सेलिब्रेट करते हैं? ये भील ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं, ओके। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन शिफ्ट वन में। भगोरिया फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं भील लोग एंड भिलाल ट्राइब्स मध्य प्रदेश में। आपको पता ही है भील ट्राइब कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश में है।
इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. तो भील, सो मध्य प्रदेश हो गया, इससे आप याद रख सकते हो मार्च. मार्च में सेलिब्रेट करते हैं बिफोर द फेस्टिवल ऑफ होली. तो होली आने से पहले, होली आने से कुछ दिन पहले आप सेलिब्रेट करते हैं ये भील. इट इज़ ऑल्सो नोन एज भगोरिया हट फेस्टिवल. हट फेस्टिवल अदर दैन दिस, जो मेन फेस्टिवल होता है बैग ट्राइव का इज कर्मा फेस्टिवल ऑफ ड्रिंकिंग हनी. तो कर्मा होता है एक फेस्टिवल, उसमें हनी को ड्रिंक करते हैं. और नागोबा जत्रा मदाई वे द फेस्टिवल सेलिब्रेट अमंग द गॉड्स. ठीक है, तो ये सारे आपको मैंने बताया. नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द पुष्कर मेला. पुष्कर मेला तो बहुत आपने सुना होगा, पुष्कर मेला, पुष्कर फेयर. तो ये यहाँ कहाँ पर होता है पुष्कर मेला? ये होता है राजस्थान में. ठीक है, जो कैमल वगैरह होते हैं. पुष्कर मेला इज वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर है, कल्चरल गैदरिंग. इट इज़ हेल्ड इन पुष्कर टाउन ऑफ राजस्थान. लाइव स्टॉक फेयर है जो कि कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है पुष्कर. पुष्कर मेला हेल्ड इन पुष्कर, विच डिस्ट्रिक्ट डज इट कम अंडर. तो इसमें पूछ दिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, तो ये आता है अजमेर के अंदर. अमेर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोटा नहीं, बीकानेर नहीं, आपका अजमेर होगा. पुष्कर फेयर होता है पुष्कर अजमेर में. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, वो अट्रैक्ट करना है कैटल मर्केंट्स को एंड स्ट्रेंथ करना है अपने ट्रेड को. ठीक है, जो टेम्पल है लॉर्ड ब्रह्मा, वो पुष्कर में ही लोकेटेड है. लॉर्ड ब्रह्मा का एक ही जो टेम्पल है वो कहाँ है, पुष्कर में है. ये फेयर है मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल हॉर्स एंड कैटल फेयर है. लार्ज मर्चेंट्स को वो ट्रैक करते हैं. ठीक है, द फेमस ट्रेड ऑफ कैमल्स इज पार्ट ऑफ विच एनुअल फेयर. फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 2016 ने पूछा था एंड देन 2021 ने फिर से ये पूछा था. तो देखो, फेमस ट्रेड ऑफ कैमल्स इज अ पार्ट ऑफ विच एनुअल फेयर. कौन सा एनुअल फेयर का पार्ट है ये? ये है आपका पुष्कर फेयर. ठीक है, नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर इज हेल्ड ईच अक्टूबर एट. तो हर अक्टूबर को ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर है वो कहाँ पे मनाया जाता है? ये होता है पुष्कर में. तीन क्वेश्चन देखो पूछा गया यहाँ से. विच आर द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी सेलिब्रेट तड़पा फेस्टिवल. तड़पा फेस्टिवल जो है वो कौन से, तड़पा फेस्टिवल जो है वो कौन से, अच्छा द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी सेलिब्रेट तड़पा, हाँ तड़पा फेस्टिवल कौन से ऐसे यूनियन टेरेटरीज हैं जो सेलिब्रेट करती हैं? तड़पा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं दादरा एंड नगर हवेली. यूटीज़ के बारे में पूछा गया है, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड दादरा नगर हवेली. दादरा नगर हवेली तड़पा फेस्टिवल करते हैं. तड़पा फेस्टिवल एक्चुअली में होता क्या है, आपने शायद पहली बार सुना होगा इस ये नाम को तड़पा. तड़पा फेस्टिवल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फेमस एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉक डांस दादरा एंड नगर हवेली. तो एक बहुत ही पॉपुलर डांस फॉक है दादरा नगर हवेली के, दादरा नगर हवेली. इसका बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है तो तड़पा डांस. तड़पा डांस इज पार्टिकुलरली फेमस अमिस्ट वर्ली कोकना एंड कोली ट्राइब्स ऑफ दादरा एंड नगर हवेली. इट इज़ अ फेमस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ट्राइब्स विद डिफरेंट अमेजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन. तो आपको ना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. दादरा, इसके बारे में मैंने बताया कि तड़पा फेस्टिवल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि दादरा नगर हवेली में एक तड़पा डांस होता है जो पार्टिकुलरली वर्ली कोकना एंड कोली ट्राइब्स करते हैं, इसलिए इसका नाम तड़पा फेस्टिवल पड़ गया. तो इनमें से कौन सा ऐसा है फेमस फेस्टिवल नेम केरला? फॉलिंग फेस्टिवल इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल गेम ऑफ केरला. तो कौन सा है? बोट रेस. केरला आपको पता ही है, एक बोट रेस होता है यहाँ पे, वल्लम काली या फिर बोट रेस बोलते हैं. ट्रेडिशनल बोट रेस है केरला में, इन विच बहुत बहुत बड़ा सा एक बोट होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं. कैनोई रेसिंग एंड यूजर्स पैडल वॉर कैनल्स मेनली कंडक्ट होते हैं ड्यूरिंग द सीजन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम. जब तमिलनाडु में ओनम सेलिब्रेट होता है ना, तमिलनाडु नहीं, केरला में जब ओनम सेलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग सीजन में, उस टाइम पे ये वल्लम काली या फिर बोल सकते हो बोट, वल्लम काली या फिर बोट रेस बोल सकते हो. अलग अलग पैडल होते हैं, लॉन्ग बोट, बहुत सारे लॉन्ग बोट होते हैं, स्नेक बोट्स, स्नेक जैसे बोट्स या फिर इसमें लॉन्ग पैडल होते हैं, तो वो सब उससे ही वो करते हैं रेसिंग. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर स्नेक बोट रेस? फिर से वही क्वेश्चन. तो ये क्या हो जाएगा? केरला. ठीक है, स्नेक बोट रेस या फिर वल्लम जो भी बोल सकते हैं. ओनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, ओनम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल किसका है? केरला का है. ठीक है, ओनम एक हिंदू फेस्टिवल है जो साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली केरला में ही सेलिब्रेट करते हैं. एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वैसे ही केरला में ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल है. सेलिब्रेटेड बाई मलाई हुज डेट इज़ बेस्ड ऑन पंचनगाम ओनम सेलिब्रेटेड इंक्लूड्स वल्लम काली, बोट रेसेस, टाइगर डांस,
फ्लावर रंगोली और टग ऑफ वार एक्सेट्रा, ये सारे जो गेम्स हैं इसके थ्रू वो इस गेम को सेलिब्रेट करते हैं, वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ओनम इन विच ऑफ दीज सिटीज ऑफ इंडिया इज़ द फेमस एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर डे ऑफ होली। होली के दिन में इनमें से कौन से ऐसे सिटीज़ है जहाँ पर फेमस एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है? एलिफेंट फेस्टिवल ये है जयपुर में, जयपुर में आपका एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। सो एलिफेंट फेस्टिवल पॉपुलरली सेलिब्रेट करते हैं लार्ज मासेस में जयपुर सिटी राजस्थान में। मोस्ट प्रोबेबली ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे ऑफ होली के दिन। वर्ल्ड एलिफेंट डे वॉज लॉन्च इन 2012 टू ब्रिंग अटेंशन टू द अर्जेंट प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, तो कहाँ पे होता है? जयपुर में आपका वर्ल्ड एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? संगाई, संगाई फेस्टिवल आपका मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई देखो मणिपुर, मणि सगाई, देखो अगर आपके पास मनी होगा, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपकी सगाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, है ना, इससे याद रख सकते हो मणिपुर सगाई। तो संगाई फेस्टिवल एक एनुअल कैलेंडर है, मेगा इवेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाता है। ये शोकेस्ट करता है फाइनेस्ट ऑफ मणिपुर आर्ट्स कल्चर के बारे में एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडिजीनियस क्यूजींस हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्ट्स। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रीजनल लेवल के प्रोडक्ट हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में ये लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं संगाई फेस्टिवल के थ्रू, जो कि मणिपुर में है। मीदम मेफी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कम्युनिटी? मेदम मेफी इज अ ताई अहोम। सो मैडम मेफी ताई के पास गई, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। मैडम मेफी एक स्टेट हॉलीडे है आसाम का, ऑब्जर्व्ड ऑन 31 जनवरी एवरी ईयर। 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये कम्युनल फेस्टिवल है फॉर द एंसेस्टर्स वर्शिप इन मेमोरी ऑफ डिपार्टेड। तो एंसेस्टर फेस्टिवल है ये, ओके। अहोम ट्राइब के में देखने को मिलता है, ताई अहोम या एथनिक कम्युनिटी जो अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो विच ऑफ द स्टेट इज नबर कालेबाला फेस्टिवल एसोसिएटेड? नबका लेबाड़ा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। नबा कालेबाड़ा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। ये एसोसिएट करता है विद द जगन्नाथ टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा एंड गजपति रामचंद्र देवा इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ नबा कालेबाड़ा फेस्टिवल। बहुत खतरनाक नाम है, नबा कालेबाड़ा उड़ीसा, तो ऐसे भी कर सकते हो नबा कालेबाड़ा। इतना खतरनाक नाम है कि इसको सुनकर होश उड़ गए से उड़ीसा हो सकता है, नबा कालेबाड़ा उड़ीसा कालेबाड़ा। इन विच स्टेट इज़ अ ममालापुरम उत्सव सेलिब्रेटेड? ममालापुरम तमिलनाडु में ही होगा, ठीक है। तमिलनाडु ममालापुरम उत्सव जो है वो एक डांस फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज करते हैं कौन से मंथ में? जनवरी से लेकर फरवरी तक। मेरा बर्थडे आता है इस मंथ में, उस टाइम पे ममालापुरम उत्सव मनाया जाता है इन द सिटी ऑफ महाबलीपुरम। तमिलनाडु में है इसलिए ममालापुरम। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन एसोसिएशन विद द तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो तमिलनाडु के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। नाउ फेमस संगाई फेस्टिवल, फिर से क्वेश्चन आ गया है, संगाई फेस्टिवल कहाँ पर होता है? आपके पास मनी होगा तो आपकी सगाई होगी और इससे होगा मणिपुर। तो संगाई फेस्टिवल क्या है? एसोसिएट विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। मणिपुर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम 21 से लेकर 30 नवंबर तक। देखो क्वेश्चन ना इससे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट में कि बताओ कि एनुअली कितने से कितने नवंबर में इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो होगा 21 से लेकर 30th नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर में मनाया जाता है आपका, एंड नेम्ड आफ्टर अ स्पीसीज ऑफ डियर पॉपुलरली नोन एज संगाई। तो एक स्पीसीज है डियर का जिसको हम संगाई बोलते हैं, उसके नाम से ये फेस्टिवल पड़ा है और मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। और संगाई रिकॉग्नाइज एज द स्टेट एनिमल, ठीक है। संगाई को हम स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, मणिपुर का, मणिपुर। दिस फेस्टिवल इज स्टार्टेड इन 2010 में स्टार्ट हुआ था विद द पर्पज ऑफ ग्लोबली पॉपुलराइज मणिपुर एज अ टूरिस्ट स्पॉट्स। तो जितना ज़्यादा जो भी फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनाए जा रहे हैं। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको मना रहे थे। इट शोज केसेस द स्टेट कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट कल्चर एंड हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस एक्सेट्रा। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन हमें शो कैश कर रहे हैं वहाँ पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट संगाई फेस्टिवल? फिर से क्वेश्चन वही है, ठीक है।
ये है RRB ALP टेक्निकल। तो संगाई फेस्टिवल कौन सा स्टेट मनाता है, वो है आपका मणिपुर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट उगाड़ी फेस्टिवल। उगाड़ी जो फेस्टिवल है वो कौन मनाता है, आंध्र प्रदेश उगाड़ी मतलब उगाड़ी का मतलब क्या है, उगाड़ी आंध्र प्रदेश। कोई अंधा आदमी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी एक ट्रिक है, एक अंधा आदमी गाड़ी उड़ा उड़ा के चला रहा है, ठीक है। तो उगाड़ी फेस्टिवल मेन फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, ये सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर की तरह आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उगाड़ी न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना में। एट दिस टाइम जो स्प्रिंग सीजन है वो पीक में होता है, और जो हैप्पीनेस है न्यू क्रॉप की वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। न्यू क्रॉप आने वाला है, न्यू क्रॉप स्प्रिंग सीजन में। इट इज़ बिलीव दैट द लॉर्ड ब्रह्मा स्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स ऑन दिस डे। ये माना जाता है कि उगाड़ी फेस्टिवल, ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने इसी दिन यूनिवर्स का क्रिएशन किया था, ठीक है। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट इज डिक्लेयर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर बोलेगा तो नागालैंड होगा, बट पक्के पागा ये क्या है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर की पक्की पागा हॉर्नबिल स्टेट फेस्टिवल, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल मुआसु सेलिब्रेटेड, तो गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, नागालैंड। मुआसु जो होगा कुछ अजीब सा नाम है, इसलिए नागालैंड। जितने भी थोड़े अजीब अजीब से नाम होंगे मुआसु एंड ऑल डैट, तो महाराष्ट्र एंड गोवा एंड राजस्थान में तो नॉर्मल फेस्टिवल्स हम मनाते हैं नॉर्मल लोग, वही होगा। नागालैंड में कुछ अलग अलग टाइप के फेस्टिवल, हॉर्नबिल, मुआसु, इस टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं, इसलिए मुआसु आप वहाँ ऐसे याद रख सकते हो। मुआसु इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड इन इंडिया। अदर फेस्टिवल ऑफ नागालैंड है हॉर्नबिल है, सिक्रीनी, देख रहे हो कुछ अजीब अजीब नाम है, सिक्रीनी, ओलांग, नानक्रुनेन, मिमकुट, तोक्तू इमोंग एक्सेट्रा। मुआसु सेलिब्रेट करते हैं एनुअली बाय द एओ ट्राइब्स। एओ ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं, देखो ओए है ना, ओए से आप क्या कर सकते हो, एओ मुआसु। फर्स्ट वीक ऑफ मे, मे में आप, मेरा एक फ्रेंड है वो, सो मे में आपका जिनका ये बर्थडे होगा तो आप देख सकते हो। द फेस्टिवल ऑफ मुआसु इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर सोइंग सीजन। तो जब हम बीज को बो देते हैं उसके बाद हम मुआसु फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कम्बाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज इनिशियली एसोसिएटेड विद, जो कम्बाला फेस्टिवल है वो किससे एसोसिएटेड है, कम्बाला से कम्बल आपको याद रखना है, कम्बल। तो जैसे कि लाल कम्बल जैसे बुफेलो डेज होता है ना, बुफेलो जो बुल वगैरह होते हैं तो उसमें लाल कपड़ा दिखाते हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हो कम्बाला फेस्टिवल बुफेलो डेज है, जनरल डेज ऑफ बुफेलो है। इसको बोलते हैं कोड़ी कम्बाला। ट्रेडिशनली स्पॉन्सर किया गया था लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा। सेलिब्रेटेड इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बैन किया गया था 2014 में बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कम्बाला वाज रीलीगलाइज इन कर्नाटका इन 2018 में कम्बाला को रीलीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि फेलो को बहुत ज़्यादा एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस फेस्टिवल में, ऑल दैट, बट फिर से लीगलाइज कर दिया गया कर्नाटका में 2018 में। सो वो फेलो डेज है, ठीक है। नाउ गंगौर इज़ अ फेमस फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। गंगौर तो राजस्थान में है, तो राजस्थान कहाँ है, हाँ राजस्थान, गंगौर। तो गंगौर फेस्टिवल जो है वो इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान में मनाया जाता है, सम पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में भी मनाते हैं। गंगौर फेस्टिवल मार्च से अप्रैल में मनाया जाता है, मार्च से लेकर अप्रैल में मनाया जाता है। देखो गंगौर कैसे याद रखोगे, गंगा और राज की शादी हो गई, ऐसे कुछ याद हो सकते, या फिर गंगौर राजस्थान में, ऐसे याद रख सकते हो कुछ भी बना के। गंगौर राजस्थान, विच ऑफ दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द डांसेस लाइक डांडिया एंड गरबा। तो ये तो बहुत बहुत ईजी है, नवरात्रि में डांडिया एंड गरबा होता है, नाइन नाइट्स फेस्टिवल है, फुल ऑफ डांस म्यूजिक लॉट ऑफ फन। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन इन असम। तो बिगिनिंग कौन शो करता है, बोहाग बिहू इज फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेलिब्रेटेड ऑन 13th अप्रैल। 13th अप्रैल को मनाया जाता है बोहाग बिहू। ऑन द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ असम इट इज़ ऑल्सो नोन एज जाट बिहू। और ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ईस्टर कब मनाया जाता है, ईस्टर आपका मनाया जाता है संडे को ईस्टर मनाया जाता है, ठीक है। ईस्टर ऑल्सो कॉल्ड द पस्चा और रिसरेक्शन संडे। इस फेस्टिवल हॉलीडे
फेस्टिवल एंड हॉलीडे कॉमेमोरेटिंग द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, एंड द डे आफ्टर दिस क्रूसिफिकेशन. जीसस क्राइस्ट का डेथ हुआ था उसके बाद क्रूसिफिकेशन के लिए मनाते हैं ईस्टर. ईस्टर मनाते हैं जीसस क्राइस्ट के लिए. डैस इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. तो दीपावली आने वाली है अभी. दीपावली तो क्या था, दीपावली बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं. मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग लॉर्ड राम रिटर्न हुए थे किंगडम अयोध्या में आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल. ये बहुत ही ज़्यादा जॉय क्रिएट किया था वहाँ के लोगों के ऊपर. एंड वो दिया जलाकर फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाया था. देखो क्रैकर्स वगैरह उस समय नहीं फोड़ा था, बट आज के लोग क्रैकर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दिया बहुत कम जलाते हैं, ठीक है. लेकिन हमें दिया जलाना चाहिए, क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए, ठीक है. विच इंडियन स्टेट द सोशल फेस्टिवल ऑफ चपचर चपाड़ मेला, चपाड़ मेला इज ऑर्गेनाइज. चपाड़ मेला कहाँ पे होता है, ये होता है पंजाब में. चपाड़ चप्पड़, तो चप्पड़ 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 कैसे याद रखोगे, चप्पड़ मेला सी एच चप्पड़ चंडा चड्डा. देखो सी एच से पंजाब एंड चंडीगढ़, चंडीगढ़ टाइप का लग रहा है आपको, ठीक है. चप्पड़ चप्पड़ चंडीगढ़ पंजाब में होगा, चंडीगढ़ पंजाब में है, सो ये पंजाब हो जाएगा. ना चप्पड़ मेला चप्पड़ विलेज में मनाया जाता है लुधियाना पंजाब सितंबर एवरी ईयर. सितंबर के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है. पीपल वर्शिप स्नेक एम्बॉडीमेंट्स ऑफ गुगा इन दिस फेयर. नौखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया. नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा में होगा, ठीक है. नौखाई सो नुआखाई एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो ऑब्जर्व करते हैं पीपल ऑफ वेस्ट उड़ीसा एंड साउथ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के लोग भी मनाते हैं, साउथ छत्तीसगढ़ के लोग और वेस्ट उड़ीसा के लोग भी मनाते हैं इसको. नुआखाई इस फेस्टिवल न्यू फूड. नुआखाई का मतलब न्यू फूड होता है. नुआ मतलब न्यू एंड खाई मतलब फूड. न्यू फूड नुआखाई इज ऑब्जर्व टू वेलकम द न्यू राइस ऑफ द सीजन. इट इज ऑब्जर्व ऑन पंचमी तिथि ऑफ लूनर फोर्टनाइट ऑफ भद्रपदा. देखो क्या उड़ीसा के लोग जो है वो चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ठीक है. तो ये नुआखाई उड़ीसा जो है वो नुआखाई मनाया जाता है वहाँ पे इन द स्टेट, क्योंकि वहाँ पे न्यू फूड के वजह से. और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हाफ ऑफ छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ वो मनाया जाता है और वेस्ट ऑफ उड़ीसा. फ्रॉम विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल एवरी ईयर. तो आइस फेस्टिवल कौन मनाएगा, चाइना मनाएगा. वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत सुंदर होता है. मतलब बहुत सुंदर सुंदर वहाँ बिल्डिंग्स बना देते हैं, आइस के झूले बना देते हैं आइस के, ओके. बहुत सुंदर होता है वो फेस्टिवल. हरबिन इंटरनेशनल आइस स्नो फेस्टिवल एनुअल विंटर फेस्टिवल है जो थीम है हरबिन हेलोंगजांग चाइना. लार्जेस्ट आइस शो फेस्टिवल है वर्ल्ड का. स्टार्ट किया गया था 1963 में और ये फेस्टिवल हर फिफ्थ जान को मनाया जाता है, ठीक है. जान में मनाया जाता है और फेब के लास्ट तक चलता है ये फेस्टिवल. तो दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ. दुर्गा पूजा मेन फेस्टिवल किसका है, ये तो वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है. दुर्गा पूजा ऑल्सो कॉल्ड द दुर्गा उत्सव एनुअल हिंदू फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का. ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हिंदू मंथ ऑफ अश्विन. ओके अभी देखो अश्विन गया है, दुर्गा पूजा अभी तुरंत पार हुआ है अश्विन मंथ में एंड उसके बाद भद्रा हो गया, विच कॉरेस्पॉन्ड टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पे ये अश्विन में मनाया जाता है. रन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन. रन फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है रन फेस्टिवल और ये गुजरात में मनाया जाता है रन फेस्टिवल. रन उत्सव ऑसम फेस्टिवल है कच्छ गुजरात का. एक कार्निवल ऑफ म्यूजिक डांस नेचर ब्यूटी वाइट रन एंड मोर विजिटिंग अंदर फुल मून जब होता है तो रन उत्सव मनाया जाता है. लूसुंग फेस्टिवल इज अ पॉपुलर. लूसुंग फेस्टिवल कितना पॉपुलर है, लूसुंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ओकेशन ऑफ द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन. लूसुंग तो लूसुंग क्या हो गया, जो हार्वेस्ट सीजन का एंड होता है. लूसुंग है ना, तो यहाँ पे सिक्किम हो गया तो लूसुंग फेस्टिवल. क्योंकि और किसी में सिक्किम से रिलेटेड कुछ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम. तो लूसुंग फेस्टिवल हर एक ओकेजन ऑफ द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन एंड एट द एंड ऑफ द 10th मंथ ऑफ तिब्बतन ईयर इन रूरल सिकिज्म, ठीक है. विच ऑफ दिस स्टेट्स इन लूसुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम. नाउ व्हाट इज जलीकट्टू. जलीकट्टू बहुत ही फेमस है, पॉपुलर स्पोर्ट टू कंट्रोल अ बुल. जलीकट्टू आपने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में. तो जलीकट्टू एक ट्रेडिशनल इवेंट है तमिलनाडु का
याद करना तमिलनाडु का है। देखो ऑप्शन में कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। जे के 11 होता है तो जली काटू है तो केरला मत कर देना, जली काटू है तो तमिलनाडु करना, ठीक है, तमिलनाडु। देन उसके बाद इन विच बुल इज रिलीज इन टू अ क्राउड ऑफ पीपल, भीड़ में छोड़ दिया जाता है बुल को, एंड मल्टीपल ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स अटेम्प्ट टू ग्रैब द लार्ज हम्प ऑफ द बुल बैक विद बोथ आर्म्स। दिस फेस्टिवल वॉज बैन इन 2014 में, ये फेस्टिवल बैन कर दिया था, जब पहले फेस्टिवल बैन किया था वैसे ये फेस्टिवल 2014 में बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर इस बैन ऑन जलीकुट, मतलब क्या हुआ, 2017 में फिर से इस बैन को हटा दिया गया। नाउ जलीकट्टू इज अ बुल कंट्रोलिंग फेस्टिवल पॉपुलरली सेलिब्रेटेड इन विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, कौन से स्टेट्स में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखो केरला कंफ्यूज करने के लिए केरला भी देगा, बट केरला नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, याद रखना। फिर उसके बाद नेम जलीकट्टू इज फेमस इन विच स्टेट, जलीकट्टू कहाँ पर फेमस है, तमिलनाडु में फेमस है। द सेलिब्रेशन ऑफ ऑल फेस्टिवल उगाड़ी बीहू एंड गुड़ी पड़वा पुथांदू, तो ये किसको शो करता है, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर। आपको मैंने बताया था उगाड़ी फेस्टिवल जो होता है वो न्यू ईयर को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑल द फेस्टिवल उगाड़ी बीहू बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ इंडियन कैलेंडर, उगाड़ी बीहू उगाओ मतलब न्यू ईयर आ रहा है। व्हाट इज़ द मकर संक्रांति, व्हाट इज़ मकर संक्रांति है क्या, मकर संक्रांति क्या है, काइट फेस्टिवल है। मकर संक्रांति एक फेस्टिवल है जहाँ पे हिंदूज कैलेंडर डेडिकेट टू द डेटी सूर्य, सूर्य को डेडिकेट करते हैं, मकर सूर्य को डेडिकेट करते हैं, सन को। इट इज़ ऑब्जर्व ईच ईयर द डे सन एंटर्स द कैप्रिकॉर्न जोडाइक एंड विच करस्पॉन्ड टू द जनवरी में जब सन जोडाइक मतलब एंटर करता है, फ्लाइंग इज अ मेन इवेंट ऑफ, तो मनाते हैं। द फॉलोइंग इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन मकर संक्रांति एंड लोहड़ी एंड पोंगल बैसाखी, क्या सिमिलर है इस सब में, तो लोहड़ी ऑल आर द नेम ऑफ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, आपको पता ही होगा। लोहड़ी पोंगल एंड बैसाखी एंड संक्रांति मकर संक्रांति, ये सारे जो है, लोहड़ी पंजाब का है, पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी है, एक ओनम भी है, ठीक है वो तो नहीं है, बैसाखी पंजाब का है, हरियाणा ये फेस्टिवल मनाते हैं। हाउ डू इंडियन सेलिब्रेट होली, इंडियन कैसे सेलिब्रेट करते होली, तो बाई थ्रोइंग कलर्स ऑफ वाटर एट ईच अदर्स, ठीक है। होली इज़ अ पॉपुलर एंशियंट हिंदू फेस्टिवल है जिसको हम फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मार्च में आता है, तो मार्च में स्प्रिंग सीजन, मार्च अप्रैल में स्प्रिंग सीजन हो जाता है, दैट्स वाई आपका मार्च में ये फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, ठीक है। वट इज़ अ सिग्मो, सिग्मा वगैरह, सिग्मा मेल बहुत चले हुए हैं आजकल, बट सिग्मो क्या है, सिग्मो जो है वो स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ गोवा है, सिग्मो शिगमो, तो शिगमो से क्या कर सकते हो, शिगमो जो है वो स्प्रिंग फेस्टिवल है, कहाँ का, गोवा का स्प्रिंग फेस्टिवल है, ओके। सो इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ गोवा, सिग्मो जो सिख से जी आ रहा है और जी से ओ, गोवा, इसे याद कर सकते हो, सिग्मो इज अ स्टेट फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ गोवा। नाउ सिग्मो जो है वो इसका फुल फॉर्म है शिशिरोत्सव एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करते हैं गोवा में। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन कोनकनी डायस्पोरा, इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, होली है इसका पार्ट है। नाउ जलीकट्टू, फिर से क्वेश्चन आ गया, जलीकट्टू क्या है, एक ट्रेडिशनल बुल टैमिंग स्पोर्ट है पॉपुलर इन तमिलनाडु, पॉपुलर वाटर स्पोर्ट इज जॉइन मरीना बीच, नहीं चेन्नई में नहीं होता, बुल वॉशिप फेस्टिवल ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल, नहीं, पीपल लीडर्स तमिल, देखो तमिल नेम ऑफ द पीपल्स लीडर्स, नहीं, ये एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है जो कि तमिलनाडु में फेमस है। जलीकट्टू एक पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है जो कि तमिलनाडु में हम मनाते हैं एज अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशंस ऑफ मतु पोंगल डे, जो थर्ड डे होता है, फोर्थ डे ऑफ पोंगल फेस्टिवल। द टर्म जलीकट्टू का मतलब होता है, वो तमिल टर्म से है सलीकासु, जिसका मतलब होता है क्वाइंस एंड कट्टू मीन्स होता है पैकेज, क्वाइंस एंड कट्टू मीन्स होता है पैकेज, ठीक है, पैकेज टाइड टू द हॉर्न्स ऑफ बुल, तो जो हॉर्न्स होते हैं बुल के इसमें क्या करते हैं, सलीकसु मतलब जो क्वाइंस है उसको हम बांध देते हैं उसके हॉर्न्स में, बुल के हॉर्न्स में, एज अ प्राइज मनी। ये डिनोट होता है एज एन एंशियंट स्पोर्ट्स बिलीव टू हैव बीन प्रैक्टिस ओवर 2500 ईयर्स, 25,000 ईयर्स में अगो में। देखो क्या होता है जलीकट्टू फेस्टिवल में, ये जो फोर डे पोंगल फेस्टिवल होता है ना, तो उसमें से जो थर्ड डे होता है उसमें जो जलीकट्टू, उसमें एक बुल को छोड़ दिया जाता है बहुत सारे क्राउड में, और उसके उसके जो हॉर्न होते हैं उसमें बांध दिया जाता है क्वाइन का एक पैकेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलीकासु, जैसे जलीकट्टू भी होता है जलीकट्टू, जैसे इसका सलीकासु का मतलब है क्वाइंस एंड कट्टू का मतलब होता है पैकेज।
तो ये बांध दिया जाता है और जितने जो भी भीड़ में उसको पकड़ कर और वो उस पैकेज को लेता है वो विनर होता है और उसको सब सारा प्राइज मिल जाता है। तो ये है पूरे होल स्टोरी इन सारे फेस्टिवल्स की। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स और बाकी है बट आई नीड अ ब्रेक, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कवर करूँगी। तब तक के लिए आप बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।